kids, how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in science, previously I had explained you lesson 3, animals growing in numbers. And today, I am going to explain you its notes. So, are you ready kids? Let's begin. Let's see, our first topic is fill in the blanks. First question is, dash provides food to the growing chick. एग के अंदर जो चिक ग्रो होता है तो उसे फूड कहाँ से मिलता है? यस, आपको पता है ना, जो योक होता है येलो कलर का, उससे ही ग्रोइंग चिक को फूड मिलता है. तो हमारा आंसर होगा योक. लेट्स सी, नेक्स्ट इज अ क्लंप ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड डैश. फ्रॉग के एग्स का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे स्पॉन कहा जाता है. तो हमारा आंसर होगा स्पॉन. Let's see the next question. The young one of a cockroach is called dash. जो कॉकरोच का बच्चा होता है, जो एग में से बाहर आता है, उसे क्या कहा जाता है? तो yes, उसे nymph कहा जाता है. Let's see the next question is, dash lay their eggs on the surface of still water. तो kids, जो fish और frog होते हैं, वो थमे हुए पानी में अपने अंडे देते हैं. Let's see the next is, the young one develops dash the body of a mammal. जो छोटे बच्चे होते हैं मैमल्स के, जैसे कि एलिफेंट या डॉग या कैट या ह्यूमन बीइंग्स, तो उनके बच्चे कहाँ पर ग्रो होते हैं? यस, मैमल की बॉडी के इनसाइड. तो हमारा आंसर होगा इनसाइड. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स. लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ टेडपोल इज अनदर नेम ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग. एडल्ट फ्रॉग को टेडपोल भी कहा जाता है. तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि फ्रॉग की लाइफ साइकिल का जो थर्ड स्टेज होता है, एम्ब्रियो के बाद का स्टेज, उसे टेडपोल कहा जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट इज ऑल मॉस्किटोज बिगिन देयर लाइफ इन वाटर. हर एक मॉस्किटोज की लाइफ की शुरुआत वाटर में से ही होती है. तो ये सेंटेंस ट्रू है. लेट्स सी द नेक्स्ट इज द एग्स ऑफ अ स्नेक आर वॉर्म्ड बाय द सन. जो स्नेक के एग्स होते हैं वो सन की गर्माहट की मदद से ही गर्म होते हैं. तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. लेट्स सी द नेक्स्ट इज द एग योक प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग. जो एग योक होता है तो उसकी मदद से जो एम्ब्रियो होता है फ्रॉग का, उसको फूड मिलता है. तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. लेट्स सी द नेक्स्ट इज बटरफ्लाइज डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. बटरफ्लाइज अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती है. ये सेंटेंस भी ट्रू है. लेट्स सी द नेक्स्ट इज द यंग वन ऑफ अ फिश इज कॉल्ड निम्फ. जो फिश के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें निम्फ कहा जाता है. तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि कॉकरोच के बच्चे जो हैच होके एग में से बाहर आते हैं, उन्हें ही निम्फ कहा जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो. जो एल्ब्यूमिन होता है एग के अंदर, वही एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. तो ये सेंटेंस ट्रू है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेम देम. फर्स्ट इज एनिमल्स दैट ले एग्स. जो एनिमल्स अंडे देते हो, तो बर्ड्स, फ्रॉग्स, टर्टल एटसेट्रा. नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. जो एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, तो ह्यूमंस, डॉग, रैबिट, हॉर्स एटसेट्रा. एंड थर्ड इज इंसेक्ट्स. तो बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रास होपर, ये सारे इंसेक्ट्स है. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वंस ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अपने जैसे ही दूसरे जीव को जन्म देना, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस. एनिमल्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? लेट्स सी द आंसर. एनिमल्स रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर ओन काइंड एंड रेस. क्योंकि रिप्रोडक्शन की मदद से ये जो कंटिन्यूटी है वो चलती ही रहती है, और अपनी तरह वो दूसरे जीव को जन्म देते ही है. तो इसीलिए एनिमल्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू मेन वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में कौन से दो वेज है कि जिससे रिप्रोडक्शन होता है? तो फर्स्ट इज बाय लेइंग एग्स, के अंडे देना. एंड सेकेंड इज बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, कि बच्चों को जन्म देना. तो ये दो तरीकों से एनिमल्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज. जो मैमल्स होते हैं वो किस तरह से अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं? लेट्स सी द आंसर. मैमल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सकल देम.
मैमल्स जो है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें नरिश भी करते हैं, उन्हें अपना दूध भी पिलाते हैं। तो इस तरह से मैमल्स जो है वो अपने बच्चों की केयर करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट्स हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल्स। कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं कि जिनकी लाइफ साइकिल के 3 ही स्टेजेस होते हैं? यस, मैंने आपको बताया था ना किड्स, इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर एंड कॉकरोच हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। कॉकरोच और ग्रास होपर के लाइफ साइकिल के ओनली 3 स्टेजेस ही होते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंसेक्ट्स हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं कि जिनकी लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं? तो इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। तो बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, तो ये सारे ही इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। नाउ किड्स लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइफ साइकिल चार्ट ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल का चार्ट हमें ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट जो है स्पॉन, मतलब जो क्लंप होता है एग्स का उसे स्पॉन कहा जाता है। उसके बाद वो जो एग्स है वो हैच होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं। एंड थर्ड स्टेज है उसे टेडपोल कहा जाता है। ये स्टेज में टेडपोल की लॉन्ग टेल होती है और वो फिश की तरह गिल्स की मदद से ब्रीथ करता है। जो फोर्थ स्टेज होता है उसे यंग फ्रॉग कहा जाता है, जिसमें उनका हेड, लेग्स, लंग्स ये सब ग्रो होता है। और जो लास्ट स्टेज होता है उसे एडल्ट फ्रॉग कहा जाता है, जिसमें उनका जो मुंह होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाता है, उनकी जो टेल होती है वो शॉर्ट हो जाती है और लेग्स जो है वो लंबे हो जाते हैं। तो इस तरह से फ्रॉग की लाइफ साइकिल के 5 स्टेजेस होते हैं, स्पॉन, एम्ब्रियो, टेडपोल, यंग फ्रॉग एंड एडल्ट फ्रॉग। नाउ किड्स लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइफ साइकिल चार्ट ऑफ अ बटरफ्लाई। यहाँ पर बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी है। तो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है एग, बटरफ्लाई अपने एग्स को एक लीव्स के ऊपर स्टिक कर देती है। सेकेंड स्टेज होता है लार्वा, जिसमें से एक लार्वा या तो जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं वो एग से बाहर आता है। थर्ड स्टेज होता है प्यूपा, ये स्टेज में प्यूपा जो है वो कोकून के अंदर रैप हो जाता है और उसकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो फिर से रीअरेंज्ड होते हैं। और जो फोर्थ स्टेज होता है इमर्जिंग बटरफ्लाई, ये जो कोकून के अंदर बटरफ्लाई है वो अब कोकून को ब्रेक करके उसमें से बाहर आएगी। तो वो कोकून में से अब क्या बाहर आया? कैटरपिलर नहीं, बट एक बहुत ही प्यारी सी बटरफ्लाई। नाउ किड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू लिजार्ड एंड स्नेक प्रोड्यूस मैनी एग्स। लिजार्ड और स्नेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अंडे देते हैं, तो उसका रीजन क्या है? लेट्स सी द आंसर। लिजार्ड एंड स्नेक प्रोड्यूस मैनी एग्स बिकॉज दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स। मैनी ऑफ देयर एग्स ईटन बाय अदर एनिमल्स एंड ओनली अ फ्यू एग्स आर एबल टू ग्रो इनटू एडल्ट्स। तो जब लिजार्ड या तो स्नेक जो है अंडे देते हैं तो वो अपने अंडों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स ये अंडों को खा जाते हैं। तो उसमें से कुछ ही एग्स जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं और एडल्ट्स में ग्रो हो पाते हैं। तो इसी वजह से लिजार्ड और स्नेक जो है वो ज़्यादा एग्स देते हैं। So kids, here our chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.